लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। यूपी के जनपद महाराजगंज के कोटीबार थाना के मुजरी गांव में एक गरीब महिला के घर पर चलवाया गया बुलडोजर। महिला द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन व राजनेता लोग हमसे पैसा लिए हैं और मेरा मकान तोड़वा दिए। मुजरी की महिला प्रधानमंत्री से गुहार लगाती नजर आई। मेरे साथ इंसाफ किया जाए, क्या हम गरीबों के लिए कोई जगह नहीं? क्या हम भारतवासी नहीं है? डीएम व एसडीएम के पास शिकायत पत्र दी, तभी भी कोई सुनवाई नहीं हुआ है। रे जमाना कितनी अच्छी दुनिया बनाई है, जहां महिला मेहनत मजदूरी कर अपना मकान बनवाई थी, वहीं दलालों ने पैसा खाकर महिला को रोड पर ला खड़ा कर दिया है। यहां की पंचायत में कई सारे लोग महिला से पैसा भी लिए हैं, क्या इस महिला के साथ न्याय होगा? जहां पीएम व सीएम द्वारा महिला सशक्तिकरण का अभियान चलाया जा रहा है, इस महिला को मिल पाएगा न्याय? ये आप नहीं खबर करेंगे कि पुलिस क्यों घुसना मारती है? बोलिए ना, आप बोलिए। मोदी सरकार के क्या कर रहे हैं? घुसनामा ले रहे हैं, अपने सब भी ड्यूटी लगा रहे हैं कि घुस ले लेकर केस डाल देगा, जो रुपया घुस दे देगा उसका कैसा आगे चल जाएगा? हम लोग गरीब को कोई निवारा नहीं मिल रहा, कोई सुनवाई नहीं है हम लोग गरीब का, हम लोग क्या करें? हम लोग मर जाएंगे। यही मोदी सरकार से यही मदद मांग रही हूँ कि जो ये काम किया है पुलिस, कोटीवार थाने की सारी पुलिस और हमारे गांव के चार नेतों, ये पांच लोग ने मिलकर सारी हमारे घर बर्बाद कर दिए। आप हमारे घर के वीडियो ले लीजिए, किस हालत में हम लोग रहते हैं। दूसरों के घर में हम रहते हैं, क्या सरकार हमें मकान नहीं दे सकती है? हम लोग गरीब को मकान नहीं मिल सकती है? अमीरों लोग के क्या सुनवाई होगी, गरीबों की नहीं? क्या पुलिस भी पैसा लिया है? हाँ, पुलिस भी 40,000 रुपया शाम गाँव के कितने लोग जो पैसा लिए हैं? गाँव को अजय श्रीवास्तव, चुलाई प्रधान, राजिंदर नेता, गुड्डू पत्रकार, इतने लोग पैसा लिए हैं लोग हमारे घर। सब पूरा समाज में ही पंचायत हुआ था, सबको सामने पैसा गिनाया था। पूछ लीजिए सब दीदी बहन जो है, इनसे पूछ लीजिए। बोलिए आप लोग, बोल रहे हैं आप लोग, बोलिए जो जो देखे। वो तो बात सही है, देख रहे थे बोलवा कैसे, पहले बोलवा क्या, ये पैसा देते आप लोग देखे हैं? बात किया था, दिए थे सब, की मतलब हल हो जाएगा, मतलब आप ले लीजिए। जब जो लोग पैसा लेते हुए देखे हैं, महिला बच्चे छोटे बड़े बुजुर्ग, इनको भी वीडियो ले लीजिए। यही पंचायत हुआ है, यही पंचायत हुआ था, नहीं लिखा गया है, देखना ही रहा है, पैसा यही मिल गया है। आप कहाँ के निवासी हैं? मोजरी के। क्या मामला हुआ है? मामला यही हुआ था कि ये राजिंदर नेता और अजय श्रीवास्तव, चुलाई प्रधान, गुड्डू पत्रकार और चार आदमी एक हमारे दीवार, जब इतना नहीं चला था, बोल रहे हैं कि इतना 4 फीट छोड़ के तुम चलवा लो। पुलिस के पास कंप्लेन किए थे, पुलिस आई बोला कि घर नहीं बनेगा। इस डीएम के पास खबर चल गया था, वहाँ से पुलिस आई, पुलिस बोली घर नहीं जोड़ाएगा, आप लोग जोड़ नहीं सकते हैं। अभी वहाँ तो कागज था, लेकिन राजिंदर नेता, अजय श्रीवास्तव, गुड्डू पत्रकार और चुल्हाई प्रधान ने बोला कि मुझे इतना 1,00,000 रुपया दे दो, हम लोग तुम्हारे घर बनवा देंगे, कुछ नहीं होगा गांव से। ये लोग पूरे गांव के सामने यही पंचायत हुआ, पैसा लिया, गांव से सुलेनामा करवा दिया, सब कोर्ट से नहीं करवाए। कितना पैसा आपसे लिया गया? 5,00,000 रुपया। और कौन कौन लिए हैं? राजिंदर नेता, कहाँ के रहने वाले हैं? मोजरी के। अजय श्रीवास्तव, कहाँ के रहने वाले हैं? मोजरी के। चुराई प्रधान, गुड्डू पत्रकार, कहाँ के रहने पत्रकार? मोजरी के। ये सब मिल के हमारे घर उजाड़ दिए। महाराजगंज के कोटीबार थाने क्षेत्र के मोजरी से अभिमन्यु कांदू की रिपोर्ट।